हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज साइनो और एंटोनिम्स का एपिसोड नंबर 5 लेकर आया हूँ। तो आज चलिए मैं शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके अगले वर्ड से। 59 पे छोड़ा था, आज 60 वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली मीनिंग्स है 60, बैफल। बैफल होता है चकरा देना, चकरा देना, हैरान करना, मतलब कोई चीज़ को आश्चर्यचकित कर देना। तो वेफल, अगर वेफल का मीनिंग देखें, साइनो देखें तो कंफाउंड होता है, वेफल का देखें तो साइनो देखें कंफाउंड होता है, एड्यूल होता है, एल्यूड होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, परप्लेक्स होता है। इसके बाद अगर एंटोनिम्स की बात करें तो पॉइज होता है, कंपोजर होता है, फैसिलेटेड होता है, फैसिलेट, फैसिलेटेड या फैसिलेट, कोऑपरेटिव भी होता है, ठीक है। बेफल की बात करें, बेफल होता है चकरा देना, हैरान करना, ऐसा चक्कर करना है। तो साइनो बनती हैं इसकी कंफाउंड, एल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परफ्लेक्स। एंटोनिम्स की बात करें तो पॉइज बनता है, कंपोजर बनता है, और फैसिलेटेड और कोऑपरेटिव बनता है। अगर हम 60 61 की बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की, तो इसे बोलते हैं बेलफुल। बेलफुल क्या होता है? बेलफुल होता है एक कष्ट या दुख पहुंचाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कष्ट दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है, या कोई ऐसा चीज़ हो जो कष्ट और दुख पहुंचाने वाला हो। एविल हो गए, साइनो अगर देखें तो एविल हो गया, बैड हो गया, हार्मफुल हो गया, नेस्टी हो गया, ओमिनस होता है, मैलिग्रेंट होता है, और सिनिस्टर। सिनिस्टर भी एक किसके सिनिस्टर पापी के सेंस में आता है, तो वो भी एक एविल होता है। एविल भी दो, बैड भी होता है, बैड बुरा होता है, हार्मफुल होता है, जो चीज़ों को नुकसान पहुँचाने वाला, नेस्टी, नेस्टी भी एक प्रकार का नुकसान पहुँचाने, और ओमिनस और मैलिग्रेंट, जिन नए अच्छे मीनिंग्स हैं। गुड, अगर एंटोनिम्स की बात करें, गुड हो गया, होलसम हो गया, फ्रेंडली हो गया, बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। अगर हम अगली मीनिंग की, नेक्स्ट मीनिंग्स की बात करें तो बैंक्रप्ट, अगर हम कहें बैंक्रप्ट क्या होता है, दिवालिया होता है, दिवालिया होता है, बैंक्रप्ट होता है, दिवालिया, दिवालिया क्या होता है, दिवालिया। तो अगर हम दिवालिया बात करते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो जाता है। साइनो देखें इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी दिवालिया के सेंस में आता है। डेस्टिट्यूट होता है, डेस्टिट्यूट होता है, पेनलेस होता है, और डिप्लेटेड हो गया, ठीक है, डिप्लेटेड हो गया, पेनलेस हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्रेडिट वर्थी हो गया, रिच हो गया, प्रॉस्परस हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बैंकक्रप्ट के एंटोनिम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई मीनिंग को देखते हैं। सिक्सटी थ्री, बारबेरस। अगर हम कहें बारबेरस क्या होता है, असभ्य होता है, जंगली होता है, गवार होता है, अनसिव, तो बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं इसी को। अगर हम इसके साइनो देखें, सैवेज हो गया, सैवेज हो गया, इग्नोरेंट होता है, ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट हो गया, अनरिफाइंड हो गया, अनरिफाइंड होगा, अनसिविलाइज्ड हो गया, ब्रूटल हो गया, ब्रूटल एक गंवार के सेंस में आता है, बूर भी गंवार के सेंस में आता है, और ब्रिस्टली। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, और भी अगर हम साइनो और भी बात करें, तो अनक्यूथ हो गया, अनकूथ, क्रूअल हो गया, रूथलेस हो गया, रूथलेस, वाइल्ड और रूड, ये सभी क्या है, इसके साइन हो। अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात करते हैं, सिविलाइज्ड हो गया, मतलब सिविलाइज्ड ऐसी सिविलाइजेशन होती है जो सभ्य हो, पोलाइट हो गया, ह्यूमन हो गया, काइंड हो गया, कंपेंसिनेट होता है, कंपेंसिनेट क्या होता है, एक प्रकार का कंपेंसिनेट, दयालु, दयालुता, जिसमें दयालुता हो, काइंड, जीनियल भी एक प्रकार का क्या होता है, जेनिटल, दयालुता से सेंस देता है, ठीक है। अगली नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं, उसका नेक्स्ट मीनिंग है, मतलब है वेयर, वेयर होता है खुला, ओपन, खुला, नग्न जैसे बोलते हैं, नग्न, नग्न, ठीक है। साइनो अगर देखें तो न्यूड, न्यूड मतलब नंगा या नग्न, ठीक है, नेक्ड क्या होता है, नग्न, डिन्यूड, डिन्यूड भी एक साइनो होती है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लोथ्ड, मतलब पहने हुए, कवर्ड किए हुए, सेल्टर्ड, मतलब किसी चीज़ को सेल्टर्ड, फर्निस्ड भी होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट मीटिंग में चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग में चलते हैं, वेरन। वेरन क्या होता है? वांझ होता है, अनुप्रा होता है। जैसे हम भूमि को हम वेरन वेरन के सेंस में देते हैं, वेरन। वेरन क्या होता है? बंजर। एक बंजर होता है, बंजर भूमि, देखी है बंजर भूमि, उसे वेस्ट, उसे कहते हैं वेस्ट लैस्ट, वेस्ट 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 लैंड, सॉरी। इसका साइनो रूप देखें तो इनफर्टाइल होता है, यूजलेस होता है, एरिड होता है, डिजर्ट होता है। जैसे कि रेगिस्तान हो गया, एरिड होता है वह क्षेत्र जो सूखा हो, यूजलेस हो, बिना उपयोग हो। और वेस्ट लैंड क्या होता है? जो जहाँ पर हम कोई भी चीज़ ओ खेती का उपजाऊ ना कर पाएँ, खेती खेती ना कर पाएँ, वेस्ट लैंड होता है, मतलब बेजान भूमि, ठीक है। अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इनफर्टाइल का फर्टाइल हो गया, फिशन फिक्सन, लश लश भी एक प्रकार से क्या होता है इसका एंटोनिम्स होता है, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव भी। बैरन का क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है, उपयोगी और फ्रूटफुल भी इसी का बैरन के होते हैं, ठीक है। अगर हम वेट की बात करें, वेट मतलब होता है गीला, गीला होता है जहाँ पर उपयोगी, तो वेट भी एक प्रकार का एंटोनिम्स बन जाता है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं और नई मीनिंग को, वैली गार्डेड। वैली गार्डेड, वैली ये गार्डेड होता है घिरा हुआ जैसे बोलते हैं, मतलब वैली गार्डेड होता है घिरा हुआ जिसे कहते हैं बिसाइज, बिसाइज्ड। इसकी मीनिंग होती है बिसाइज्ड, बिसाइज्ड हो गया। साइनो अगर हम देखें, साइनो विसाइज्ड, विसाइज्ड क्या होता है? घिरा हुआ चारों तरफ से, अंडर अंडर सीज, मतलब अंडर सीज हो गया, ब्लॉकेड हो गया, सराउंडेड हो गया, एन सर्किल हो गया, हार्ड प्रेस्ड हो गया, हार्ड प्रेस्ड, ये सब मीनिंग क्या होती है? वैली वैली ग्राडेड के मतलब होता है घिरा हुआ, किसी चीज़ से घिरा हुआ वैली ग्राडेड बोलते हैं। अगर हम कहें अगली मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग की बात करते हैं तो बेनेडिक्शन की बात करते हैं। बेनेडिक्शन क्या होता है? बेनेडिक्शन एक लाभकारी, मंगल कामना और आशीर्वाद के सेंस में आता है। तो जो भी चीज़ अगर हमारे हित में हो और हमारे लिए शुभ हो, उसे हम क्या कहलाते हैं? वरदान के सेंस में आता है, तो उसे हम बेनेडिक्शन बोलते हैं। बेनेडिक्शन मीन्स वरदान, ब्लैशिंग बोन हो गया, अप्रूवल स्वीकृति देना, सेक्शन हो गया, सेक्शन सेंक्शन, सेंक्शन हो गया, एनकरेजमेंट हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं, कर्स हो गया, मेलडिक्शन हो गया, ठीक है, डिनंशिएशन हो गया, ठीक है, एनेथीमिया एनीथमा ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मीनिंग, विनीत बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है? लाभ। नेक्स्ट मीनिंग में बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है लाभ होता है या सुविधा होती है या उसके बेनिफिट होता है, हमारा एडवांटेज क्या है। तो अगर हम कहें उसकी साइनोनिम्स बात करते हैं तो गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, फेवर हो गया, एडवांटेज हो गया, बून हो गया, बर्दा इड। इड भी एक सामग्री के सेंस में आता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। अवेल, अवेल भी एक प्रकार का क्या होता है? एक बेनिफिट या सुविधा के सेंस में आता है, ठीक है। अगर हम कहें एंटोनिम्स की बात करें, लॉस हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, डैमेज हो गया, माइनस हो गया, हार्म हो गया, ठीक है, ये सभी माइनस बेनिफिट के साइन होते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग पे और चलते हैं, अब आ जाते हैं बेनिवोलेंट। नेक्स्ट मीनिंग को बेनिवोलेंट होता, परोपकारी होता है, बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, मतलब जो व्यक्ति किसी किसी के ऊपर परोपकार करे या अपनी दया दिखाए, ये सभी क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट बोलते हैं। साइनो अगर नाम साइनो नेम्स दें तो सबसे पहले उसका सिमिलर साइनो बनेगा बेनिफिशियंट। एक बिनाइंग होता है, बिनाइंग, एक होता है चैरिटेबल होता है, एक टेंडर होता है। टेंडर हम किसी को देते हैं तो क्या करते हैं? परोपकार करते हैं, टेंडर। एक होता है कंपैशनेट होता है, दयालु होता है। कंपैशनेट उस सेंस में दिया जाता है जैसे कि मतलब भरपाई के सेंस में आता है। कंपेंसेट तो भरपाई, मतलब हमने कोई किसी का नुकसान किया और हमने क्या दे दिया उन्हें? कंपेंसेट दे दिया, ठीक है, तो कंपेंसेट, ठीक। अब आ जाते हैं इसका एंटोनिम बोलते हैं, स्पाइटफुल हो गया, इल नेचुरल्ड हो गया, क्रूलर हो गया, ह्यूमन हो गया, और बेनोमस, ठीक है, बेनोमस, बेनिमस। ये बेनिमस भी एक प्रकार का एंटोनिम्स होता है वैलिबोरेंट का, ठीक है, ठीक। आ जाते हैं नेक्स्ट मीनिंग में, विक्यूथ, या इसे हम विक्यूथ भी बोलते हैं, विक्यूथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो
विक्यूत होता है वसीयत करना, वसीयत करना मतलब होता है दे देना, प्रदान करना किसी को, ठीक है, दे देना या प्रदान कर देना। हम किसी को वसीयत को, वसीयत को हम इनहेरिटेड ग्रुप में चली जाती है वसीयत, मतलब पिता से बच्चे में, बच्चे से बच्चे में, ठीक है, तो इनहेरिटेड जाती है, तो बस विक्यूत कहलाते हैं या विकीत कहलाते हैं। ऐसे साइनो इसके देखते हैं तो लीव होता है छूट जाना, लीव मतलब होता है छोड़ देना, हैंड डाउन मतलब होता है नीचे दे देना, ठीक है, किसी को दे देना, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंट्रस्ट, एंट्रस्ट एंट्रस्ट होता है, ठीक है, ग्रांट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, डोनेट हो गया, बेस्टो, कन्फर्म भी एक प्रकार से क्या होता है, कन्फर्म करना, ठीक है, कन्फर्म, ये सब कहलाते हैं विकीत के साइन बनते हैं। अगर हम और नेक्स्ट मीनिंग की बात करते हैं बेला टेंट, बेला टेंट टेंट बेला टेंट बोलते हैं, कोलाहलपूर्ण और कणभेदी, मुखर खुल्लम खुल्ला, मतलब ऐसी ऐसी ऐसे वक्तत्व जो कणभेदी हों, कणभेदी हों मतलब खुले मन से कुछ भी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो, कोई गाली गलौज कर रहा हो, कोई भी, मतलब उसका अगर हम साइनो देखें, नॉइजी हो गया, वैसी फेरस हो गया, कालमोरस हो गया, ईयर प्राइजिंग हो गया, ईयर ब्रेजन हो गया, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं, क्वाइट हो गया, जेंटल हो गया और सबड्यूड हो गया, क्वाइट जेंटल सबड्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नई मीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मीनिंग है आपकी ब्लीक, अगर हम कहें ब्लीक क्या होता है, ब्लीक होता है निराशाजनक, उदास, ठीक है, डेस्पाइस, डेस्पाइस होता है, डिसमल भी होता है, डेस्पाइस भी होता है, ठीक है, डेस्पाइस भी होता है और डिसमल भी होता है। तो इसमें एक साइनोनिम देखते हैं, ग्लूमाय, ग्लूमाय या ग्लूमाय भी बोलते हैं, सैड हो गया, डिसमल हो गया, चीरलेस हो गया, ठीक है, चीरलेस हो गया, चेस्ट फॉलन हो गया, ठीक। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करते हैं, चीरफुल हो गया, ब्राइट हो गया, होपफुल हो गया, जॉयस हो गया, इसके बाद गे, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ब्लीक के एंटोनिम्स होते हैं। अगर हम साइनों की बात करते हैं, ग्लूमाय, सैड, डिसमल, चीरलेस और चेस्ट फॉलन, ठीक है। अगर हम 73 वर्ड की बात करते हैं वोगस, नेक्स्ट वर्निंग की, तो नकली होता है, जाली होता है, फर्जी होता है, ये सब वोगस, वोगस होता है, नकली, जाली, फर्जी, ठीक है। अगर हम उसकी साइनो नेम्स बोलें, इसका सिमिलर नेम्स, फॉल्स हो गया, फ्रॉड हो गया, फेक हो गया, फोनी, फोनी हो गया, सुप्रियस होता है, नकली, जाली, ठीक है, आर्टिफिशियल बनावटी, ठीक है, काउंटरफीट होता है, एक प्रकार से नकली पर्ची होती है, काउंटरफीट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस होता है, एक मीन और भी मीनिंग बताते हैं हम आपको, शैम, शैम हो गया, इमिटेशन हो गया, नकल करना, इमिटेशन हो गया। एक मीनिंग और बताते हैं, फ्रेंडुलेंट, फ्रेंडुलेंट होता है, फ्रेंडुलेंट, FRAUDULENT, फ्रेंडुलेंट होता है, एक क्या कहलाते हैं, इसी के वोगस की साइनो फॉर्म होती है, ठीक है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, तो ओरिजिनल हो गया, मतलब ओरिजिनल हो गया, जेनुइन हो गया, रियल हो गया, वैल्यूएबल हो गया, रिवाइवल हो गया, ट्रुथ हो गया, ट्रस्ट बर्थी हो गया, ठीक है। चलिए, और यही मीनिंग यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है, और हमें, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्ड क्लियर हुए होंगे।